कैंट थाने की पुलिस ने चार शातिर अपराधी को एक देसी तमंचा और नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कैंट थाना प्रभारी मनोज कुमार राय की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चार शातिर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार शातिर बदमाश रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन के आसपास खड़े होकर आने जाने वाले यात्रियों का पीछा करके बस व टेम्पो में आगे पीछे बैठी सवारियों को भ्रमित कर उनका सामान चोरी कर लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रवि डोम पुत्र अशोक डोम निवासी सूरजकुंड, दीपक डोम पुत्र स्वर्गीय छोटे निवासी सूरजकुंड अंधियारी बाग, दीपक डोम पुत्र हंचल निवासी डोमखाना सूरजकुंड रविदास मंदिर के पास, वीरू डोम पुत्र रामायण डोम निवासी अंबेडकर नगर डोमखाना रविदास मंदिर के पास अंधियारी बाग थाना तिवारीपुर के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा और कुछ नकली रुपए बरामद किए हैं। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि वीरू डोम अलग अलग मुकदमों में दो बार जेल जा चुका है और अभी इन चारों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी मनोज कुमार राय, चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट शेष कुमार शर्मा, चौकी प्रभारी मोहद्दीपुर अरविंद कुमार सिंह, कांस्टेबल रमाशंकर सिंह, आशीष यादव, ब्रजपाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, वो रवि कौन है? रवि तो तुम्हारा भाई राहुल भी जेल में है? नहीं, हमारा भाई राहुल डोम कौन है तुम्हारा? जानते हो ना, तुम्हारे कॉलोनी में रहता था। वो तो भी तो बंद है जेल में, भी जा चुके हैं जेल। जो भागा था अभी हमारा पकड़ा गया फिर। हाँ, तो तुम्हारा भाई नहीं है? कितनी बार जेल जा चुका है अभी तक? ये थाना कैंट पुलिस में इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में चार मुलजिम पकड़े गए हैं, जो कि तिवारीपुर थाना जनपद गोरखपुर के निवासी हैं। ये मुलजिम अक्सर गड्डीबाजी करते हैं कि किसी की गाड़ी में बैठ जाना, उसके बाद उसको नकली नोट थमा देना, उससे कुछ पैसे ले लेना। सारे लोग एक साथ रहते हैं, अगर वो इस तरीके से पैसा नहीं देना तो ज़ोर जबरदस्ती से सलाह से डरा धमका के पैसे ले लेना। अभी कुछ दिन पहले एक घटना खोराबाड़ जंगल में भी हुई, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है। ये लोग कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो एक गाड़ी में सारे लोग अपने रहते हैं, उसको बैठा लिए, उसके बाद अगर स्वेच्छा से जो ले रहा हो ले ले, नहीं स्वेच्छा से जो हो रहा है तो जबरदस्ती लेके उसको ले लिया, उसको कुछ स्मैक का नशा करा के उसको उतार दिए। इस तरह की घटना लगातार करते रहते हैं। इनके पास से जो इन्होंने कुछ घटनाएँ और भी स्वीकार की हैं, यद्यपि वो घटनाएँ पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन पुलिस अब उनको भी पता कर रही है कि किसके साथ हुई, कौन वादी था, उसकी भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके साथ ही इन्होंने का एक काम और भी करते हैं ये, कि ये मुख्य क्षेत्र इनका रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट ही रहता है, लेकिन वर्तमान समय में इनका मुख्य जो कार्यस्थल है वो बस अड्डा ही है। इन्होंने घटना स्वीकार भी की है। इसमें जो इसका अभियुक्त है वीरू डोम, वो तीन बार जेल भी जा चुका है। अब इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर पुराना आपराधिक स्तर देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। ये कुल मिला के 17-18 लोग हैं। हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी इसमें से 4-5 लोगों को जेल भेजे थे। बाकी लोगों के भी नाम पता ट्रेस हो गए हैं। कुछ देवरिया के लोग हैं, उनका भी नाम पता ट्रेस हो गया है। इनको भी जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। कई बार जेल भी जा चुके हैं। बिल्कुल, वीरू डोम जिनका मुख्य है, इसका भाई भी वर्तमान समय में जेल में है रवि डोम करके, और वीरू डोम जो है ये भी तीन बार जेल जा चुका है।